Hello friends, welcome to Neck Crack It, and today we are going to discuss about the most important and year-wise solution of the previous year's questions based on the syllogisms, the NTA NET JRF. So here we discuss with the direct rule and the conclusion based questions also based on the AIEO rule and according to the new pattern, after which you will be able to solve all the questions based on the syllogism or the direct formula as well as the AIOU rule and conclusion based questions. So let this started. Before going started, let's मेरे को फॉलो कर लेना अनअकैडमी की प्रोफाइल पे, लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे आप एजुकेटर फील्ड में यहाँ पे टाइप करेंगे मेरा नाम कोमल के. सो सारे ही लेसन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है. तो पेपर टू के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए और पेपर वन के कोर्सेज के लिए वहाँ मेरे फ्री कोर्सेज आप देख सकते हो. सो यहाँ पे मेरा एक फेसबुक पेज भी चल रहा है और इस फेसबुक पेज पे आप डेली के डेली जो एमसीक्यूज मैं कराती हूँ वो यहाँ पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाने वाले हैं बिना किसी पैसे के. तो ये मत बिल्कुल भी वरीड होइए कि आपको कोई भी पेमेंट देनी है. सो यहाँ पे जितना मैं वीडियो में पढ़ा रही हूँ उसको लेके चलिए, देन आप उसको एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी जो है वो मेरे सारे पीडीएफ जो है वो इस फेसबुक पेज पे आ जाने वाले हैं. सो आप उसको जाके ज्वाइन कर लेना. सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो जून 2019 में रिसेंटली जो भी पेपर हुआ था पिछले ईयर उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे. और क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रीपोजिशन दिया होगा और उस प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन दिए रहेंगे और उस कंक्लूजन में आपको निकालना होगा सही क्या है. तो सबसे पहले देखिए पढ़ते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है. हाउस आर नॉट ब्रिक्स इज टेकन टू बी फॉल्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन इज टू बी ट्रू. अब यहाँ पे एक आपको दे दिया हाउसेज आर नॉट ब्रिक्स और वो पूछ रहा है कि आपसे जो ये चार ऑप्शन है इनमें से सही कौन सा है. तो सबसे पहले आप ऑप्शन से मत जाइए, आप खुद से इसको सॉल्व करिए, पेन और पेपर लेके बैठिए या मेरी वीडियो को पॉज कर देना. एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप या तो वीडियो जो मेरी इसके पहले वाली सिलोलॉजम वाली बेसिक वीडियो है वो जरूर जरूर से जरूर अटेंड करिएगा, ताकि उसके बाद जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो इजिली आपको मुश्किल से हार्डली एक मिनट लगेगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे. तो सबसे पहले आपको क्या फॉर्मूला रखना है, AIEO फॉर्मूला याद रखना है. AIEO फॉर्मूला देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है. इस फॉर्मूले में देखिए सबसे पहले क्या है, ये होता है ऑल के लिए. ऑल अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर से यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल हाउसेस आर ब्रिक्स, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ये ए के अंडर में आ जाएगा. हाउसेस आर नॉट ब्रिक्स बोल रहा है, हाउसेस आर नॉट ब्रिक्स, तो ये हाउस जो है वो ब्रिक्स नहीं है. तो नहीं है मतलब ये ई स्टेटमेंट हो गया. एंड ई स्टेटमेंट्स इज टेकन टू बी एज अ फॉल्स, ये लिया गया है फॉल्स. इसको हमने फॉल्स लिया तो ट्रू क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट कॉन्ट्रेरीज. ठीक है, तो ये हो गया आई. आई मतलब क्या होता है, सम. सम हाउसेस आर ब्रिक्स. अब देखिए सम हाउसेस आर ब्रिक्स कहाँ लिखा हुआ है, सी वाला ऑप्शन. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो थर्ड फोर्थ वन है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी. ओनली सी विल बी योर करेक्ट. आप कहीं आप किसी को देखेंगे नहीं, आपने देखा हाउस आर नॉट ब्रिक्स एंड सम हाउसेस आर ब्रिक्स, सो सी विल बी योर करेक्ट. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, सॉरी दो स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने चार स्टेटमेंट दे रखे हैं और इन चार स्टेटमेंट में दो आपस में जो है वो ट्रू हो सकते हैं और दो फॉल्स हो सकते हैं. ठीक है, तो मैंने अपने प्रीवियसली लेसन में बताया था कि जो ए और ओ है वो कभी भी जो है ए और ओ के केस में देखिए बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट फॉल्स टुगेदर. ठीक है, एक दूसरे के साथ में दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे कह रहा है उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाने वाला है. तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आई और ओ जो सब कॉन्ट्रेरीज होती है उसमें उल्टा हो जाता है. उल्टा क्या हो जाता है कि बोथ कैन बी ट्रू बट नॉट फॉल्स टुगेदर. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड वन हो जाएगा, बी एंड सी. देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट पीपल नेवर सफर, ऑनेस्ट पीपल ने सफर नहीं करते, ये किसमें आ गया, नो स्टेटमेंट ई में आ गया, दिस इज योर ई. नेक्स्ट है ऑलमोस्ट ऑल पीपल डू सफर, ऑलमोस्ट यानी ऑल, ऑलमोस्ट का मतलब भी ऑल होता है और ऑल का मतलब भी ऑलमोस्ट होता है, इससे कोई इसमें मत परेशान होइएगा. तो ऑलमोस्ट मतलब सब नहीं है, ऑल ऑनेस्ट है, तो ए हो गया. ए और ई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. देन यहाँ पे देखिए सी, ऑनेस्ट पीपल हार्डली सफर, हार्डली मतलब सम होता है. ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बी एंड सी.
ऑल पीपल एंड ऑल से सम निकल सकता है ना, ऑल से सम निकल रहा है, ठीक है, करेक्ट। एंड देखिए ईच एंड एवरी ऑनेस्ट पर्सन सफर, ईच एंड एवरी ऑनेस्ट पर्पन सफर, तो ईच ऑनेस्ट पर, तो ए से ए निकल रहा है क्या? नहीं, ए से आई निकल सकता है लेकिन आई से ए नहीं निकल सकता, ठीक है। एंड ऐसे ही ए से ई निकल सकता है, ई से बी, इन दोनों आपस में जो है वो नहीं हो सकते, तो बी और सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए, एक प्रीमाइसेस दी हुई दो और उसके बेस चार कंक्लूजन दे रखा है, तो प्रीमाइसेस जल्दी से पढ़ते हैं क्या है प्रीमाइसेस। तो प्रीमाइसेस कह रहा है ऑल बैट्स आर मैमल्स, नो बर्ड्स आर बैट्स। अब देखिए ऑल बर्ड्स आर मैमल्स अगर हो जाएंगी तो नो बर्ड्स आर बैट, ये दो प्रीमाइसेस में देख कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन निकल के आ रहा है, देखिए कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि नो बर्ड्स आर मैमल्स एंड सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स। अब बताइए जरा, ऑल बर्ड्स आर मैमल्स अगर होंगे तो क्या ऑल मैमल्स आर बैट्स हो सकते हैं? ऑल मैमल्स आर बैट्स हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, गलत है। अरे मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने एक मैंगो से भरा हुआ टोकरा है उसमें से कुछ आम निकाल लिए तो क्या कुछ आम से मैंगो से भरा टोकरा निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता, तो वही क्वेश्चन तो कह रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया। उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है फर्स्ट वाला, नो बर्ड्स आर मैमल्स। अब बताइए ऑल बैट्स आर मैमल्स एंड नो बर्ड्स आर बैट, कंक्लूजन क्या निकलेगा? गलत हो गया ना, नो बर्ड्स आर मैमल्स, डायरेक्ट सी बात है। उसके बाद कह रहा है सम बर्ड्स आर मैमल्स, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, सम नॉट है, ओ स्टेटमेंट, निकल सकता है क्या ऑल से? जस्ट उल्टा हो जाएगा लेकिन निकल नहीं सकता, ऑल से सम निकल सकता है, ठीक है, ऑल से सम। फिर उसमें बोल रहा है नो बैट्स आर बर्ड्स, नो बैट्स आर बर्ड्स, ये सही हो जाएगा क्योंकि नो बर्ड्स आर बैट्स, सो नो बैट्स आर बर्ड्स, तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट वन, ठीक है, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिर से है आपको दो प्रीमाइसेस दे दिया है यहाँ पे और उसमें मैं चार कंक्लूजन दे दिया, तो यहाँ पे पहले प्रीमाइसेस पढ़ लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। जनवरी 2017 का क्वेश्चन है ये, अनटचेबिलिटी इज अ कर्स, अनटचेबिलिटी जो है वो कर्स है, एंड All hot pans are untouchable. यानी जितने भी all hot pans हैं वो untouchable हैं। तो conclusion क्या निकल के आएगा? All hot pans are cursed. क्या जितने भी all hot pans हैं वो curse हो जाएंगे? अब बताइए। सही कह रहा है। अरे A से I निकल रहा है ना? देखिए यहाँ पे क्या है? Untouchability is a curse. तो अनटचेबल कट गया यहां से, अनटचेबल और ये वाला अनटचेबल क्रॉस हो गया। उसके बाद क्या बचा? ऑल हॉट पैंस इज अ कर्स, वही तो कह रहे हैं, सही है। उसके बाद यहाँ पे बी स्टेटमेंट आते हैं, सम अनटचेबल थिंग्स आर नॉट पैंस, सम जो है वो अनटचेबल थिंग्स जो है वो नॉट पैंस। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। ऑल से सम निकल सकता है क्या? यस, बिल्कुल सही, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। अब देखिए ऑल कर्स आर अनटचेबल, ऑल कर्स क्या? देखिए अब ये फर्स्ट सेंटेंस देखिए, अनटचेबिलिटी इज अ कर्स, वही चीज है कि मैंगो से भरा हुआ टोकरा है आपके पास, उसमें से आपने कुछ मैंगो निकाल दिए तो क्या कुछ मैंगो से आप सारे आम निकाल सकते हो? नहीं, उल्टा नहीं हो जा सकता। तो इस तरीके से ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा, ऑल कर्स आर अनटचेबिलिटी गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड सम कर्सेस आर अनटचेबल, सम कर्सेस आर अनटचेबिलिटी, लेकिन ये स्टेटमेंट तो दे रहा है सीधा सीधा अनटचेबिलिटी इज अ कर्स, तो सम कर्सेस आर अनटचेबल कैसे हो जाएंगे भाई? उल्टा है ना, तो वन एंड सेकंड जो पहला और सेकंड वाला है वो आपका सही आंसर है, यहाँ से देख लीजिएगा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली कह रहा है, इफ द स्टेटमेंट नन बट ब्रेम्स आर विन द फॉल्स, अगर ये ई स्टेटमेंट है एंड वो बोल रहा है फॉल्स हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लेम टू बी एस टू ट्रू, बताना है आपको आंसर। अगर हमारा ई स्टेटमेंट है, अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा, आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कॉन्ट्रेरी से, तो हमने आई वाला हो जाएगा, सम वाला हो जाएगा, सम वाला कहाँ है? सम पर्सन हु विन द रेस आर ब्रेव, ये वाला करके आ जाएंगे। अरे भैया ये सुन तो लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है नन बट द ब्रेव विंस द रेस इज फॉल्स. अगर ये वाला जो है वो हमारा फॉल्स हो गया है तो क्या होता है. Which of the following is to be claimed as to be truth? तो truth हमेशा क्या होता है? Downwards होता है. False क्या होता है? Upward. तो downwards के नीचे क्या आता है? A I E और रूल में O. O के लिए क्या होता है? Some not. Some not. तो क्या आ जाएगा इसका? Some person who win the race are not brave. B will be your correct option. जल्दी जल्दी में गलत बस्तर के आ जाना. Okay. बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए. उसके बाद देखिए 2016 में क्वेश्चन आ रहा है. क्वेश्चन सॉरी 2016 में देखिए पॉज कर दीजिएगा लेकिन आपको अपनी नॉलेज खुद खुद चेक करना है. देखिए टू प्रपोजिशन आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर. यानी दो स्टेटमेंट हैं वो दोनों आपस में फॉल्स नहीं हो सकते. दे मे बोथ बी ट्रू. तो अभी मैंने बताया दे सब कॉन्ट्रेरीज में क्या होता है. सब कॉन्ट्रेरीज में से आई एंड ओ है तो वो क्या हो जाएंगे. बोथ कैन बी ट्रू बट नॉट फॉल्स टूगेदर. आई एंड ओ. ओके सो यहाँ पे कॉन्ट्रेरीज के लिए आपको ये वाला एरो याद रखना है. ठीक है ट्रुथ जो होता है वो डाउनवर्ड होता है. फॉल्स अपवर्ड होता है. एंड कॉन्ट्रेरीज जो है आई एंड ओ दिस इज फॉर सम एंड सम नॉट. ठीक है ये दोनों क्या है ट्रू हो सकते बट फॉल्स नहीं हो सकते. तो इसका आंसर जो है वो आपका सेकेंड वन इज योर करेक्ट वन. आंसर फॉर्मूला बेस्ड है. देखिए आपके दो मार्क्स एक क्वेश्चन दो मार्क्स का होता है और ये डेफिनेटली तीन क्वेश्चन सिलोजिज्म से आते ही आते हैं और इसी तरीके के आते हैं. ठीक है तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व कर ले जाओगे तो आपके छह मार्क्स जो है वो इजिली आप कवर कर लोगे. 50 क्वेश्चन में आपके सिक्स मार्क्स जो है वो कवर हो जाते हैं आराम से. ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दो प्रीमाइसेस दे दिया है. दो प्रीमाइसेस दे रहा है. फिर से देखिए ऑल बर्ड्स आर मैमल्स बर्ड्स आर नॉट बैट्स एंड बर्ड्स आर नॉट मैमल्स. कंक्लूजन है बर्ड्स आर नॉट बर्ड्स. ऑल मैमल्स आर बर्ड्स सम मैमल्स आर बैट्स. अब दिखाइए जल्दी से करके इसको क्वेश्चन को खुद से करिएगा क्वेश्चन सॉल्व. क्या निकल गया आएगा. देखिए ऑल बर्ड्स आर मैमल ए हो गया. उसके बाद प्रीमाइसेस है ई बर्ड्स आर नॉट बैट्स बर्ड्स आर नॉट बैट्स. उससे कंक्लूजन क्या निकल सकता है. ऑल से सम निकल सकता है. सम है यहाँ पे कहीं. सम मैमल्स आर बैट्स. सम मैमल्स आर बैट्स बिल्कुल सही है. हो सकते हैं बिल्कुल सही है. उसके बाद सेकेंड वाला का बर्ड्स आर नॉट ई से क्या निकल के आ सकता है. ई से सम नॉट निकल के आ सकता है. सम नॉट निकल से आ सकता है. बैट्स आर नॉट बर्ड्स. बाकी और देख लेते हैं. ए वाला बर्ड्स आर नॉट मैमल्स बर्ड्स आर नॉट मैमल्स बर्ड्स आर नॉट मैमल्स. ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि ई से ओ निकल के आ सकता है और ए से आई निकल के आ सकता है. तो आपका बी और डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. इस तरीके से आपका बी एंड डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. तो आज के लिए बस इतना ही. और भी एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चंस करने मैं ऐसे ही लेसन्स और भी लेके आती रहूंगी. ये मैंने पिछले जो है आपके चार साल के पेपर को कवर कर दिया एस्ट्रोलॉजी के बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे थे. सो ऐसे ही मेरे लेसन्स को देखते रहिए. और हाँ और फेसबुक जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे लेसन्स को देखने के लिए और पीडीएफ लेने के लिए. और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में और भी क्वेश्चंस जो है वो मैं यहाँ यूजीसी नेट के करा सकूं ताकि आपको बहुत ही हेल्प मिल जाए. सो थैंक यू. हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स. कीप वॉचिंग कीप लर्निंग. ऐसे ही मेरे लेसन्स को देखते रहिए. थैंक यू.